हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेप न्यूज। दोस्तों आज आपको हम एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो हर कोई जानना चाहता है कि पीएसएल के पास कितना पैसा है या पीएसएल में कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी पॉलिसी कराई थी और पीएसएल में कितने लोगों का पैसा कितना जमा है, तो वो सब आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। आप ये वीडियो पूरी देखिएगा और अच्छी लगे तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि पीएसएल के पास कितने निवेशक हैं। जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि पीएसएल के पास 5,15,01,036 निवेशक हैं, यानी कि इतने लोगों की पॉलिसी पीएसएल में है। अब बात करते हैं उनके जमा किए हुए पैसे की। पीएसएल के पास इतने निवेशकों का 57,927,28,96,524 करोड़ रुपए जमा है। इतना पैसा जमा है कि यदि मशीन भी गिनना शुरू करे तो मशीन भी थक जाएगी। और पीएसएल की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो दोस्तों पीएसएल के पास 35,003 प्रॉपर्टी ऐसी है जिनकी कीमत 15,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। जब ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी तो तब इनकी कीमत 3,50,000 करोड़ रुपये थी। इससे अलग 1,00,000 एकड़ से अधिक की भूमि पीएसएल का परिवार या निर्मल सिंह भंगू का परिवार या रिश्तेदार या अवैध व्यक्ति को दे दी गई है बोने के लिए और उनसे कमाई की जा रही है, किराया वसूला जा रहा है, जिससे काफ़ी मोटी कमाई हो रही है। पिछले लगभग 2 सालों की हम बात करते हैं तो इस जमीन से लगभग 9,000 करोड़ रुपये की काली कमाई की जा चुकी है। वर्तमान स्थिति में पीएसएल की या निर्मल सिंह भंगू की हम बात करें तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति फिलहाल उसके पास वर्तमान स्थिति में है। यदि कोर्ट जमीन बेचकर पैसे देने का भी आदेश नहीं करता तो यही आदेश यदि कर दे कि जो काली कमाई जमीन से कर रहा है या जो फिलहाल की संपत्ति उसके पास है उनमें से ही निवेशकों को पैसा दे, तब भी 15 से 20% निवेशकों का पैसा दे दिया जाएगा और शुरुआत हो जाएगी। मगर इसके लिए आपको थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। जिस तरह आपने पहले पत्र डाला था, पोस्ट कार्ड डाले थे, उसी तरह से आपको सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायाधीश के नाम पर पत्र लिखने हैं और इस संबंध में बताना है कि जमीन से इतनी कमाई हो रही है, वो जमीन है और काली कमाई हो रही है और हमारा पैसा यदि आप आदेश करें तो उससे भी शुरुआत हो सकती है। जब जमीन बिकेगी, बिक जाएगी, कम से कम कुछ तो आना शुरू हो जाएगा, कुछ लोगों का पैसा तो मिलना शुरू हो जाएगा। हम आपको बता दें कि जो पहले पोस्ट कार्ड डाले गए थे उसमें पंजाब से लगभग 1,00,000 से ज़्यादा पोस्ट कार्ड सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और 70,000 के आसपास हरियाणा से आया है और अन्य जिलों से, अन्य राज्यों से, अन्य शहरों से हजारों की संख्या में पोस्ट कार्ड आए हैं। जिस समय सुप्रीम कोर्ट में वे पोस्ट कार्ड पहुंचे थे तो जज साहब की आंखें फटी रह गई थी और जज साहब कुछ निर्णय लेने के लिए विवश हो रहे हैं। हम आपको बता देते हैं कि आने वाली 2 फरवरी 2018 को तारीख लगी हुई है और आपको जब पत्र डालना है तो अपना नाम, पता, पॉलिसी नंबर व केस नंबर आप ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए 13301/2015 लिखना ना भूले, क्योंकि ये सबसे ऊपर की फाइल लगी हुई है। दोस्तों आपको ये कार्य बहुत फ़ायदा दे सकता है और जज साहब को सोचने के लिए मजबूर कर सकता है कि कितने लोग परेशान हैं। अपनी सारी बात बता दीजिए, अपनी पॉलिसी नंबर सब कुछ दे दीजिए, कहिए, अवगत कराइए इस बात से कि जिससे कि आप लोगों का पैसा बहुत जल्दी आप तक पहुंच सके। हो सकता है कि 2 फरवरी 2018 को ही जज साहब कोई ऐसा आदेश दे दे जिससे कि आपका पैसा आप तक पहुंच सके। दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाल रंग के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कार्ड पहुंचने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, पता चलना चाहिए जज साहब को भी कि दुनिया जो लोग है, पीएसएल ने जो घपला किया है वो कितना, लोग उससे परेशान है, कोई बीमारी से ग्रस्त है, कोई अपने बच्चों की शादी कराना चाहता है, किसी को पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।